नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज है 25 जुलाई और एयरफोर्स का आज दूसरे दिन का एग्ज़ाम है। हम अभी पटना खगौल के इलाके में हैं, जहां पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आए हैं और जो एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं। किस तरीके के सवाल आए हैं, किस तरह के सवाल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और भी बातें उनसे करेंगे। चलिए उनसे बातें करते हैं। कैसे रहा पेपर? बहुत अच्छा गया पेपर, सिर्फ मैथ में 2-3 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। बाकी सब गड़बड़ कैसे हो गया? वो थोड़ा जल्दी जल्दी बाय मिस्टेक हुए, टाइम भी जा रहा था, ओवर हो रहा था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, सर और मैथ कैलकुलेटिव था? यस सर, मैथ कैलकुलेटिव था, ज़्यादा सा ट्रिग्नोमेट्री था और बाकी सब ईजी था। अच्छा, और फिजिक्स? फिजिक्स तो बहुत ईजी था। फिजिक्स भी ईजी था। हाँ, फिजिक्स कहाँ थे, कहाँ से सवाल थे? क्या सर? फिजिक्स के जो सवाल थे वो कहाँ से? ज़्यादा थ्योरेटिकल थे, मतलब थ्योरेटिकल जी ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल नहीं था? फिजिक्स नहीं, एक दो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के, और लगभग इंग्लिश भी ठीक था, मीडियम लेवल था। अच्छा। जी मैथ थोड़ा था कैलकुलेटिव। हाँ। लेकिन बाकी समझिए कि मेडिटेटरी एग्जाम सही गया है लगभग। मैथ में कहाँ से था सवाल? मैथ में सर वही इंटीग्रेशन के और कैलकुलेशन से ज़्यादा था। हाँ। कैलकुलस से, और समझिए कि और एक क्या बोलते हैं ये क्या, ट्रिग्नोमेट्री। जी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था या इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश तो लगभग टेंस थे, पैसेज थे, नरेशन थे, वॉइस। पैसेज कैसा था? पैसेज सर मीडियम लेवल था, क्योंकि हाँ या अंडरस्टैंडिंग था उसमें। अच्छा, पैसेज में क्या करना था? पैसेज में वही क्वेश्चन पढ़ना था, उसमें पैसेज में मतलब कि अपने माइंड अंडरस्टैंडिंग कुछ क्षमता के अनुसार, मतलब कि एबिलिटीज के अनुसार वो उसको जांच करना था कि इसका फिलर्स था या फिर एरर फाइंडिंग। सर एरर फाइंडिंग था, फिलर्स भी था दो जी, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी थे। आपका कैसा रहा पेपर? हमारा बहुत ही अच्छा रहा। पेपर में क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आ रहा है। जो भी बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं वो लोग शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर ले, मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस कर ले शॉर्ट क्वेश्चनों का, उसमें से 2-4-10 आपको याद भी होना चाहिए। टाइमिंग बहुत ज़्यादा जल्दी बीत जा रहा है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चनों का। और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल 4 या 5 आ रहा है, उसमें भी डरने की बात नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। अच्छा, अग्निपथ आने की वजह से कोई ट्रेंड में बदलाव? ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस अग्निपथ को लेकर बच्चों में काफ़ी थोड़ा फीलिंग दुख का हो रहा है, क्योंकि 4 साल की ड्यूटी करेंगे, 75% लड़के छंट जाएंगे 4 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं इस नौकरी को लेकर बच्चे में थोड़ा उत्साहित नहीं है। और सब बढ़िया है, और पेपर इंग्लिश का बहुत ही आसान आ रहा है, इंग्लिश का पेपर एकदम सही लेवल से है, आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ में थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप बचे हुए टाइम में, और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। सवाल जिस तरीके पूछे जाते थे पहले, अग्निपथ के आने से सवाल में कुछ बदलाव आया या फिर पहले जैसा ही सारे सवाल है? बिल्कुल, सवाल पहले जैसे हैं बस, और इंग्लिश जैसा लग रहा था काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश का पेपर काफ़ी आसान आ रहा है। अगर बच्चों का मेहनत करना है तो न्यूमेरिकल पर थोड़ा कर ले फिजिक्स। अच्छा। पे और थोड़ा बहुत मैथ पकड़ ले अपना। अच्छा, क्वेश्चन मतलब मैथ और फिजिक्स चैलेंजिंग है? हाँ सर, मैथ और फिजिक्स दोनों चैलेंजिंग है। बहुत अच्छा पेपर था, पेपर देखने के बाद बहुत दिल खुश हो गया। फिजिक्स थ्योरी बेस्ड था या न्यूमेरिकल? सर कुछ उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड था और कुछ उसमें सर रेशियो क्या है न्यूमेरिकल का? न्यूमेरिकल का रेशियो मेरे को लगता है कि सर 1/4 होगा। 1/4 या यानी कि 1/4 न्यूमेरिकल है फिजिक्स? न्यूमेरिकल 1/4। अच्छा, मैथ में सवाल कहाँ से है? मैथ का पूरा 12th बेसिस से उठाया था अपना, कैलकुलस से उठाया था। हाँ। और एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था। अच्छा। और भी क्वेश्चन थे सर? आपको कोई समस्या हुई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। कितने सवाल बनाए आप मैथ में? 50% आधा 50%। अच्छा, टोटल कितना अटेम्प्ट किया? टोटल हमने आपको मैथ में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिजिक्स में 16 क्वेश्चन और इंग्लिश में ऑल 25। हाँ सारा। इंग्लिश में आपको लेवल का क्वेश्चन आता है, अच्छा लेवल है। क्या स्टैंडर्ड है आज के सवाल का? प्लस टू लेवल तक का ही है फिर उससे ऊपर? प्लस टू लेवल तक का ही है, उससे ऊपर का नहीं है कोई किसी भी सब्जेक्ट में। NCERT इनफ है? हाँ सर, NCERT इनफ है। हाँ, इनफ है। NCERT जो पढ़ेगा वो क्लियर कर लेगा? हाँ, ये एग्जाम क्लियर कर लेगा, इसलिए कि सारा था इंटर पर था। अच्छा। कुछ भी क्वेश्चन था। अच्छा। जो पढ़ा रहेगा वो कंफर्म निकालेगा। अच्छा। मैथ में सवाल कहाँ कहाँ से थे? 10, 11, 12 का सब था, जो बस यही था। फिजिक्स में का नाम बताइए। क्या चैप्टर का नाम बताइए जो मैथ में आया था? चैप्टर मैथ में जो ज़्यादा से रेखा से आया था, रेखाएं से, और जो अवकलन समाकलन से आया था, और कुछ जो हाँ लिमिट का भी आया था, और त्रिकोणमिति का भी आया था। फिजिक्स में बताइए कहाँ से था सवाल? फिजिक्स में सर जो कि ज़्यादातर बेस्ट न्यूमेरिकल से था, और जैसे कि उसमें ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड नहीं था। अच्छा। इसलिए सर हमें लगता है कि मतलब बच्चे जो कि कुछ करने में मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल बेस्ड था।
अच्छा मैथ में जो सवाल पहले आया करते थे वो छोटे छोटे चैप्टर से आया करते थे, इस बार कुछ वैसा था कि बदला? हाँ सर कुछ बदला है। लाइक कैसा कैसा बदलाव आया? वही मतलब बढ़िया था, थोड़ा मोड़ा बदलाव आया था। मतलब जो छोटे छोटे चैप्टर से आते थे सवाल मैथ्स के, वो आए इस बार कि नहीं आए? नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं आया। नहीं वैसा नहीं था, आप इजी नहीं बोल सकते, हार्ड भी नहीं बोल रहे, मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम लेवल का है। देखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सवाल अच्छे खासे आते हैं। आया है, आया है कुछ। और ट्रिग्नोमेट्री से कितने सवाल? ट्रिग्नोमेट्री से दो सवाल थे। और कैलकुलस? कैलकुलस से मिला लो, पूरा कैलकुलस से मिला लो तो 6 क्वेश्चन के लगभग था। अच्छा अगर हम उसको रेट करें मैथ्स के सवाल को, इजी मीडियम मॉडरेट हार्ड? मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं। अच्छा मॉक वगैरह तो दिए होंगे आप लोग, उस पे बेस था या फिर उससे डिफरेंट? नहीं उससे अलग था। उससे अलग क्या सेंस के, मतलब टफ या इजी? ना उससे मॉक में तो इजी क्वेश्चन था, बट उससे यहाँ पे टफ है। इंग्लिश सही था, एनसीईआरटी बेस था या उससे ऊपर? उसी बेस पे था लेकिन थोड़ा लेवल का था। अच्छा हाँ। फिजिक्स के सवाल एनसीईआरटी सही थे सारे? हाँ फिजिक्स का ठीक था लेकिन मैथ का, मैथ एनसीईआरटी से बाहर चला गया। बाहर नहीं बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते। देखिए इंग्लिश सबसे बढ़िया था मान सकते हैं, ठीक है। मैथ के सवाल कुछ हायर लेवल का एग्जाम हो रहा है तो होगा ही, यही सीख था। फिजिक्स का भी सही, एनसीईआरटी बढ़िया से जो पढ़ा रहेगा ना उसके लिए एग्जाम बहुत सही जाएगा। अच्छा एक कॉमन सवाल है, अग्निपथ आने से सवाल का जो ट्रेंड है उसमें कुछ बदलाव आया, फिर पहले जैसे सवाल पूछे जाते थे वैसे ही? वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंजिंग नहीं, मतलब लेवल में हाई अप इजी सेम है? सेम चेंज हुआ है, थोड़ा सा बदलाव। क्या बदलाव आया? लेवल थोड़ा उसको ऊपर रखा गया है। लेवल अग्निपथ के आने से और ऊपर कर दिया गया, मतलब जो प्रश्न है पिछला बार का क्वेश्चन, ठीक है एक होता है ना दो तीन का क्वेश्चन आउट बंदे बोले, वैसा ही क्वेश्चन एक तरह से मान सकते हैं। कंपटीशन लेवल का है तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम ऐसे वैसे पूछेगा ही, नॉर्मल रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक तरफ से बोल सकते हैं ना कि 11th 12th का जो एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा ना उसके लिए इंग्लिश बहुत इजी मान सकते हैं आप एक तरह से, ठीक है। फिजिक्स का भी नॉर्मल क्वेश्चन था, उतना हार्ड लेवल का नहीं था, ठीक है। मैथ का थोड़ा था कि साइड से भी पूछा गया था और थोड़ा लगा मैथ का टफ, टफ नहीं बोल सकते उसको, मीडियम लेवल का। बस वही जो आगे आएंगे एग्जाम देने के लिए उनके लिए आप क्या मैसेज? मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने मतलब मैथ पर फोकस कर लेंगे और थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे अपना, उनके लिए काफ़ी मतलब हेल्पदायक हो जाएगा। इंग्लिश तो पूछना ही नहीं, मतलब अगर इंग्लिश बंदा थोड़ा सा जानता है अपने लेवल का तो इंग्लिश हो जाएगा। अच्छा आपका वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम है? नहीं सर एक्स ग्रुप था। एक्स ग्रुप का वाई ग्रुप आप नहीं? नहीं सर। इस तरीके से इन अभ्यर्थियों से हम जाने किस तरीके सवाल आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन्होंने बताया अपनी तरफ से कि किस तरीके मैथ्स में फिजिक्स में और इंग्लिश में सवाल बता रहे थे कि काफ़ी आसान रहे। ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए आप पटना लाइट।